जमाने की रफ्तार में एक जैसे लोग कभी नहीं होते। सभी की कदकाठी और रंग रूप अलग होता है। दुर्भाग्य से हमारे समाज में कई बार छोटे कद वाले लोगों का मजाक भी बनाया जाता है। लेकिन यह भी सच है कि यदि कोई इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसके लिए इन चीजों के कोई मायने नहीं रह जाते। कहते भी हैं कि जब आपके हौसले बुलंद हों तो फिर हर बाधा छोटी पड़ जाती है। उस लड़की ने भी सुना था कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यह छोटी सी कहानी एक ऐसी लड़की की है जिन्होंने अपना छोटा कद होने के बावजूद भी सफलता की मिसाल कायम कर दी। कम हाइट वाली हरविंदर कौर हमेशा बेहद खुश रहने वाली लड़की हैं। वह खुश रहकर अपने कद के दर्द को नहीं छिपाती, बल्कि इसे अपने लिए तोहफा मानती हैं, क्योंकि उन्होंने इसके साथ भी न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि वह उनके लिए भी मिसाल बन चुकी हैं जो कद के चलते हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। जन्म के बाद हरविंदर का कद आम बच्चों की तरह नहीं बढ़ सका। उन्हें डॉक्टर्स को दिखाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। माता पिता ने बेटी को पॉजिटिव सोच के साथ जिंदगी जीने का सबक सिखा दिया। समय बीतने के साथ हरविंदर की शिक्षा हुई, लोगों ने उनका मजाक बनाया, उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे लोगों की भी हमारे समाज में कोई कमी नहीं होती जो आपके बच्चों का पूरा भविष्य अपनी कल्पनाओं से बता देते हैं। हरविंदर को माता पिता के लिए बोझ तक माना गया, लेकिन आत्मविश्वास के साथ हरविंदर ने ठान लिया था कि वह अपने माता पिता का नाम एक दिन रोशन जरूर करेंगी। उनका सपना वैसे तो एयर होस्टेस बनने का था, लेकिन कद के चलते ऐसा नहीं हो सका। किसी एक सपने के टूटने से सपने देखने और उन्हें पूरा करने की मनाही नहीं होती। हरविंदर ने दिन रात मेहनत से लॉ की पढ़ाई की और आज वह पंजाब की जालंधर कोर्ट में सफल वकील हैं। मजाक बनाने वाले लोगों ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये बेटी एक दिन इस तरह सफल होगी। छोटे कद के बाद भी उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान कायम की। 3 फीट 11 इंच की हाइट वाली हरविंदर कौर को देश की सबसे छोटे कद वाली वकील माना जाता है। उनका सपना अब जज बनने का है। कई बार वह कहीं जाती हैं तो लोग उन्हें छोटी बच्ची समझ लेते हैं। जिंदगी के प्रति हरविंदर कौर का नजरिया बेहद पॉजिटिव है, इसलिए उन्हें खुश रहना पसंद है। यदि उन्होंने चुनौतियों का डटकर मुकाबला नहीं किया होता तो शायद वह आज इस मुकाम पर नहीं होती। वह उदाहरण भी हैं इस बात का कि इंसान को अपने रंग रूप या कद को लेकर कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। आपको भी यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए सच्ची कहानियाँ किस्से और रोचक जानकारियाँ लाता रहूँगा।